टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आज की तमाम सुर्खियों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कालिका स्मारक शिक्षण संस्थान वर्दी कंदरापुर के तत्वावधान में बिलरियागंज के रेनबो पब्लिक स्कूल में नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत संगोष्ठी हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला समाज कल्याण अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने कहा कि आधुनिक समाज में नशा सबसे घातक बुराई है। यह व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक व आर्थिक रूप से बदहाल ही नहीं बल्कि परिवार को बर्बाद कर देती है। भारत सरकार नशा मुक्त अभियान की शुरुआत देश के 272 जिलों में एक साथ कर रही है, जो 31 मार्च तक चलेगी। समाज के जागरूक लोगों को इस अभियान को सफल बनाने में अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। विशिष्ट अतिथि जिला प्रोबेशन अधिकारी बीएल यादव ने कहा कि नशा एक महारोग है। पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी राजेश यादव ने नशा मुक्त भारत बनाने के लिए लोगों का आह्वान किया। रंगकर्मी ममता पंडित ने कहा कि नशा व्यक्ति को नहीं परिवार फिर समाज को नष्ट कर देता है, इसीलिए हम सबको मिलकर नशा मुक्त भारत अभियान को सफल बनाना है। कार्यक्रम का शुभारंभ महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। डॉक्टर जेपी पांडे, श्रीधर पांडे, अरविंद पाठे, आलोक रंजन मिश्रा, मुक्तिनाथ सिंह, रमेश चंद आदि ने माल्यार्पण कर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम का संचालन रंगकर्मी व साहित्यकार राघवेंद्र मिश्र ने किया। कार्यक्रम की आयोजक संस्था कालिका स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान आजमगढ़ के सचिव श्री शशांक मिश्रा ने सभी आगंतुक अतिथियों एवं सभागार में उपस्थित क्षेत्र के सम्मानित प्रबुद्धजनों एवं ग्रामीणों का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। आइए सुनाते हैं कि मुख्य अतिथि या अन्य अतिथियों ने क्या कुछ कहा नशा मुक्त अभियान के बारे में। मैं संस्था वाले इसमें हम लोगों का बात सहयोग कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि और विकास खंड स्तर पर भी इस तरह की कार्यक्रम आयोजित हो, फिर उसके बाद ग्राम पंचायत पर भी दिया जाएगा। पूरे भारत में 272 जनपदों का चयन किया गया है, जिसमें जनपद आजमगढ़ का भी चयन किया गया है। इसमें आप लोगों से यही अनुरोध है कि विशेष तौर से ध्यान रखने के लिए दशा के संबंध में भी मीडिया में महाराष्ट्र का छाया रहता है। अगर वो जांच में दोष मुक्त भी पाते हैं तो सफाई देते रहेंगे, लेकिन समाज से वो ये हैं सबके नजर में तो आई है कि ये नशा का प्रयोग करते हैं, इसलिए वो नशा करता है वो समाज से। 15 अगस्त को तो आपने अवसर दिया ही दिया, 2 अक्टूबर को भी आपने बुलाया कि आपको तो चलना ही चलना है। 2 अक्टूबर एक ऐसी तिथि है जो हम 2 महान विभूतियों की जयंती साथ साथ मनाते हैं। इतना जरूर है कि एक का इतना विशालकाय पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, कि एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी होते हुए भी उस व्यक्तित्व के सामने थोड़ा सा छोटी लगती है। देखिए, पांडे जी ने कहा कि परिवार जो है प्रथम पाठशाला है। पारस कोई ऐसा पत्थर नहीं है जो लोहे को आदमी टच करे तो वह सोना हो जाए, यह संगत ही पारस पत्थर का काम करती है। संगत से मैं समझता हूं कि 99% लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती के अवसर पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम लोगों के बीच आजमगढ़ के जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह जी, पूर्व जिला समाज कल्याण अधिकारी श्री विनोद कुमार सिंह जी, जिला प्रदेश अधिकारी बीएल यादव जी, देश की प्रख्यात रंगकर्मी ममता पंडित जी, रेनबो नेशनल स्कूल की प्रिंसिपल श्री प्रियंका त्रिपाठी, जलेंद्र मीडिया के संपादक मदन मोहन पांडे जी और क्षेत्र के सम्मानित लोग बैठे हुए हैं। मैं आप सभी का
आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।